Welcome, I am Arafan. In this video we start topic protein. हमारे last lectures हो चुके हैं carbohydrates पे, conjugated molecules पे. Now we start protein. What is protein? Protein जो है ना वो होता है polymer. मतलब हमने monomers और polymers का topic हमने बंद किया था, basic concept का. तो उसमें हमारे पास हमने कहा था protein जो है ना वो polymer है specific protein का, specific amino acids का sorry. और है ना अरेंज होता है पर्टिकुलर मैनर में जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस. प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल है जो कैरी आउट करता है वर्चुअली ऑल ऑफ द सेल एक्टिविटीज. दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ द ड्राइव वेट ऑफ द सेल ऑलमोस्ट 18%. हमने जो है ना टॉपिक नंबर हमारा मतलब जो टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट का था टॉपिक नंबर 1, इसमें हमने यही कहा था कि 18% जो है ना वो प्रोटीन हमारे पास मैमिलियन सेल में होता है, 15% जो है ना वो बैक्टीरियल सेल में होता है. यहाँ ये बताया हुआ है मेजर पार्ट प्रोटीन की वजह से ही होता है. प्रोटीन जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम ऑफ देम कंटेन फॉस्फोरस एंड सल्फर. क्यों प्रोटीन के पास आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना वो ये होता है कि सल्फर से इसकी मतलब सल्फर से ना इसकी कर सकते हैं हम लोग, सल्फर भी काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसकी वो लगा सकते हैं कि सल्फर है तो ये प्रोटीन है. अब हमारे पास क्या है कि प्रेजेंस है नाइट्रोजन की, ऑल्सो कंटेन करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. प्रोटीन जो है ना वो बिल्ड ब्लॉक्स होता है टिश्यूज का. मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज हेयर, वेन्स एंड फीडर्स आर ऑल्सो प्रोटीन वेयर एज मीट, फिश, पल्सेस आर द मेजर पार्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन नेचर. अब ये नेचर ये जो है ना प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ. ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 50% ड्राई वेट का, प्रोटोप्लाज्म का 50% जो है ना वो ड्राई वेट का. हमारे पास क्या होता है ड्राई वेट वो होता है जिसमें प्लांट जो है ना वो क्रिएट कर जाता है. तो ये 50% होता है प्रोटीन. ये टर्म प्रोटीन जो है ना वो यूज़ करती है बर्सीलियस ने 1838 में. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ जाता है कि इसने टर्म करी थी फर्स्ट टाइम यूज़, तो वो बर्सीलियस ने करी थी. और 1883 में ड्यूस केमिस्ट थे जे मल्डर, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि प्रोटीन जो है ना वो वायलेंट कंपाउंड्स और बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का. ये जो है ना मेन कॉन्स्टिट्यूट करता है हेयर्स, नेल्स एंड मसल्स फीडर्स की. मतलब ज़्यादा हमारे पास प्रोटीन ही होता है ना हमारे हेयर्स में, हमारे नेल्स में, हमारे मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे हर प्रोटीन होता है. तो यहाँ हमारे पास बताया मसल्स में, फिगर्स में, सब में प्रोटीन्स का यहाँ बताया. अब हमारे पास ये कि अमाइनो एसिड जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन का. यस प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है, पॉलीमर पॉलीपेप्टाइड चेन से मेड होता है. मतलब कि ना क्या है पॉलीमर है, हमारे पास कहा था कि हमने पॉलीमर है अमाइनो एसिड का सही है. तो प्रोटीन पॉलीमर तो है लेकिन अमाइनो एसिड मोनोमर्स हुए ना, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है. तो अमाइनो एसिड्स अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स. यहाँ हमारे पास है, हमने ये कहा कि मोनोमर्स होता है अमाइनो एसिड्स मोनोमर्स होते हैं. अमाइनो एसिड्स जो है ना वो 20 टाइप्स के होते हैं, लाइक अटैच होते हैं डिफरेंट सीक्वेंसेस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन. और ये फॉर्म होते हैं मतलब वायरसेस में भी, वायरसेस से लेके मतलब स्मॉलेस सबसे ना स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजम जो होते हैं वायरस होते हैं. और ह्यूमन बींग्स स्नैप कर लें तो हमारे पास क्या है कि वायरसेस से ह्यूमन बींग्स जो होता है ना उसमें हमारे पास प्रोटीन्स के डिफरेंट टाइप्स पाए जाते हैं. अमाइनो एसिड जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वन बेसिक अमाइनो ग्रुप से भी बनते हैं और एसिडिक और कार्बोक्सिल ग्रुप से भी बनते हैं. या तो फिर हमारे पास बाउंड होता है कॉमन कार्बोक्स एसिड के, और जो हम अल्फा कार्बन में ना जो ये होता है इन अल्फा कार्बन विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होता है. ये पूरे स्ट्रक्चर है मैं अभी आपको दिखाता हूँ. तो एक कार्बोनिक एसिड से होता है, उसके पास वन एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है. देखें प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये है ना कि यहाँ हमारे पास ये हुआ अमाइनो ग्रुप, NH2 अमाइनो ग्रुप हो गया. ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास यहाँ. अगर आप लोग रुकें एक बार मैं आप लोगों को अलग से दिखाती हूँ. ये ना हमारे पास कार्बन है सही है, एक तरफ हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ हमारे पास रेडिकल है. ये रेडिकल ग्रुप कहलाता है. यहाँ हमारे पास ये अल्फा कार्बन है, ये H हो गया. और फिर यहाँ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. दिस इज कॉल्ड, ये अमाइनो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस इज रेडिकल ग्रुप. सो हमारे पास ये हो गया कि अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन, मैंने आपको इस बता दिया. अब यहाँ हमारे पास है कि फॉर्मेशन जो है ना वो ब्रेक डाउन या फॉर्मेशन या ब्रेक डाउन जो है ना पेप्टाइड लिंकेज की क्या होती है. तो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड जो है ना, डाइपेप्टाइड की बात करें या पॉलीपेप्टाइड, दोनों बहुत आर सेम एक तरीके से, बहुत आर सेम. मैं आपको बताऊँगी. देखें फॉर्म होते हैं कंडेंसेशन ऑफ, कंडेंसेशन मैं आप लोगों को पहले टॉपिक पढ़ा चुके हैं, अभी मैं बता दूंगी. लेकिन कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस का हम पढ़ चुके हैं. कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड से होता है पेप्टाइड बॉन्ड से. इस प्रोसेस में क्या होता है कि अमीनो एसिड जो है ना वो रिएक्ट करता है अंदर अमीनो एसिड से, और एक अमीनो एसिड से OH ग्रुप निकलता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, OH निकलता है. और एक अमीनो एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से H निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है. तो हमारे पास क्या हुआ कि लिबरेट हो जाते हैं दोनों और फॉर्म करते हैं वाटर मॉलिक्यूल. इसको जिसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड. जब टू अमीनो एसिड के प्रोडक्ट होते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड टू. डाई मतलब टू.
प्रोडक्ट ऑफ डाई पेप्राइन जो है ना वो ग्लाइसिलाइन कहता है, और टू अमाइनो एसिड्स, टू अमाइनो एसिड्स के साथ इन दिस वे बोथ द रिएक्टिव पार्ट द एंड ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द अमाइनो एसिड आर ऑलवेज अवेलेबल टू फॉर्म बॉन्ड, मतलब लाइक बाय टेट्रा पेंटा पेप्टाइड लीडिंग टू पेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन्स। एंड प्रोडक्ट जो है ना कार्बोक्सिल का अमाइनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं उसको हम बनाने के लिए, पेप्टा भी बन सकता है, पेंटा भी बन सकता है, टेट्रा मतलब चार, मतलब पेंटा मतलब पाँच, पेप्टाइड और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चेन ज़्यादा ऐसे तो रिएक्टिव पार्ट होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना वो स्प्लिट हो जाता है स्मॉल चेन में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइज एंजाइम्स, एंजाइम्स के की मदद से बहुत ज़्यादा स्मॉल चेन में भी हो सकता है। और फर्स्ट जो है ना वो फर्स्ट जो इसकी फर्स्ट इनटू द चेन दैट कंटेन मोर देन टेन अमीनो एसिड्स फॉर पेप्टोन्स, टेन अमीनो एसिड्स के पेप्टोन्स में रहता है, पेप्टोन फर्दर ब्रेक होता है टू अमीनो एसिड्स, उसको फिर हाइड्रोलाइज कर देता है बेसिक होने से अमीनो एसिड्स में, लाइक टेन अमीनो एसिड्स में हुआ पेप्टोन्स, पेप्टोन फर्दर ब्रेक हुआ विद टू अमीनो एसिड्स और फाइनली हाइड्रोलाइज हो गया बेसिक यूनिट अमीनो एसिड्स में। हमारे पास ये है कि हमारे पास सिग्निफिकेशन होगी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स की, तो इसमें आएगा कि हमारे पास जो है ना वो सिंगल जो है वो फर्स्ट उन्होंने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिटरमाइन किया था सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन मॉलिक्यूल में, उन्होंने किया था कि इंसुलिन के पास 51 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें टू पार्ट चेन होती है, मतलब वन है 21 अमीनो एसिड्स एंड अदर है 30 अमीनो एसिड्स, एक इंसुलिन है सही है, इंसुलिन है उसके दो पार्ट हैं, एक का पार्ट के पास 21 अमीनो एसिड्स है, दूसरे के पास 30 अमीनो एसिड्स है, जो दोनों हेल्ड टुगेदर हो रहे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, लेकिन सम इन हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन पे हमारे पास जो है ना टू चेन होती हैं, एक के पास वन इज टू अल्फा चेन और अदर इज बीटा चेन, एक के पास बीटा एक के पास अल्फा, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। अल्फा चेन जो कंसिस्ट करता है 141 अमीनो एसिड्स में, एक बीटा चेन कंसिस्ट करता है 146 अमीनो एसिड्स में। तो यहाँ कहा हुआ है कि ह्यूमन बॉडी में मोर देन 10,000 प्रोटीन्स हैं, जिस प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 अमीनो एसिड, दिस सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय जीन्स एंड डीएनए, और ये सीक्वेंस है ना डिटरमाइन होता है डीएनए से, और ये अरेंजमेंट अमीनो एसिड जो है ना मॉलिक्यूल हाईली स्पेशलाइज होती है, इसकी फंक्शन के मुताबिक इसकी स्पेशलाइजेशन होती है, और ये सीक्वेंस अमीनो एसिड जो है ना वो चेंज हो जाए तो प्रोटीन फेज जो कैरीज नॉर्मल फंक्शन, अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाए, बीटा के पास 146 है, अल्फा के पास 141 है, तो अगर बीटा के पास 141 आ जाए और अल्फा के पास 146 आ जाए तो इसका सीक्वेंस चेंज हुआ, सीक्वेंस चेंज हुआ तो उसका नॉर्मल फंक्शन फेल हो जाएगा, ये नहीं कर पाएगा। वन एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया भी इसी की एग्जांपल है, नॉर्मलिटी हो जाती है हीमोग्लोबिन में, डिग्री चेंज इन वन अमीनो ग्रुप ऑफ 574 अमीनो एसिड्स ओनली व्हेन आई चेंज इन टू ग्लूटामाइन एट सिक्स पोजीशन, वेलाइन जो है ना वो चेंज हो जाता है ग्लूटामाइन में, और इसकी सिक्स पोजीशन पे इसके क्या होता है कि रिलेटिव चेंजेस, सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हुआ है लेकिन हीमोग्लोबिन ने ना अपना क्या मतलब ना फेल हो जाता है अपना सिग्निफिकेंट अपना सफिशियंट काम करने में, मतलब ओ टू को डिलीट करने के लिए जो तैयार हो जाती है पर्सन की। अब हमारे पास जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट होगी, इससे पहले मैं आपको ज़रा स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है कि ये हो जाता है कि एक जो है ना वो चेंज हो जाता है। देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर फंक्शन और शेप के मुताबिक क्लासिफाई होता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है ना बेसिस ऑफ शेप की टू है, टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फिब्रस प्रोटीन्स एंड अदर्स। तो फिब्रस प्रोटीन जो है ना वो प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास फाइबर्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, लाइक शेप, देयरफॉर दे एक्ट एज़ अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्यू टू फंक्शन, दिस प्रोटीन ये इनसॉल्युबल वाटर होते हैं, ये सॉल्युबल नहीं हो सकते पानी में, इनसॉल्युबल होते हैं, इनके पास फिलामेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, इनकी शेप होती है लाइक फिलामेंट्स और फाइबर्स की तरह इनकी शेप होती है, ये एक्सिस्ट करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, इनके फंक्शन ये इलास्टिक इन नेचर होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी इलास्टिक का बताया था कि ये जो है ना वो खींच जाते हैं, इनकी शेप चेंज हो जाती है, इलास्टिक इन नेचर होता है, कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल नहीं बन सकते इनके, लाइक सिल्क, स्पाइडर वेब, मायोसिन, इन मसल्स, एक मसल होता है, मतलब मसल में हमारे मायोसिन होता है, फाइबर्स, क्लोथिंग, क्लोजन, फिब्रोजन, एक्टिन, केराटिन ऑफ हेयर्स एंड नेल्स, तो ये हमारे पास क्या होता है, फिब्रस प्रोटीन होता है। तो फिर लाइक क्या है जो हमारे पास क्या है फिब्रस, अब है ग्लोबुलर प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है ना वो स्पेरिकल और ग्लोबुलर एक शेप होते हैं, इसकी थ्री डायमेंशनल होती है, फोल्ड और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन जो है ना वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, मतलब सॉल्ट में, वाटर में और बेस में भी, और ये कंटेन करते हैं एक्वस मीडियम या अल्कोहल, इनको चाहिए होता है, ये इलास्टिक इन नेचर होता है, कैन बी क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल बन सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम, हीमोग्लोबिन चैनल प्रोटीन, सारे के सारे ये भी होते हैं। लिंकेज जो अमीनो एसिड बताऊँ, ये अमीनो एसिड मिले, ये क्या बना रहा है, अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बना रहे हैं, क्योंकि मोनोमर्स जो है ना वो अमीनो एसिड मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन्स।
हुआ कि मोनोमर अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड लिंकेज है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड लिंकेज है हमारे पास ये। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें ना, स्ट्रक्चर प्रोटीन तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्या क्वार्टरनरी होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ना हमारे पास वो प्रोटीन होता है जिसके बाद लीनियर स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड होता है, लाइक पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है जिसमें इंसुलिन आ जाता है। सेकेंडरी में हमारे पास पेरिड कॉइल होता है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, हेलिक्स जिसको हम हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होता है, स्पाइडर्स हेयर वेयर में पाया जाता है। जबकि टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ना वो पेप्टाइड हाइड्रोजन हेलिकल डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है जिसमें लाइसोसोम हम कहते हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इनमें थ्री डायमेंशनल फोल्ड्स होते हैं सुपर फोल्ड्स। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में ना क्या है हमारे पास, क्या होता है एसोसिएशन टू और मोर, हम कहते हैं टू और मोर जो सब यूनिट्स है ना पॉलीपेप्टाइड चेन के लार्ज साइज मॉलिक्यूल में बन जाते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। ये जो है ना वो प्राइमरी है, ये हेलिक्स की तरफ सेकेंडरी, और ये टर्शियरी होता है, ये टर्शियरी होता है, और ये तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। सेल टुडेज टॉपिक इज कंप्लीट। इफ यू हैव इफ एनीवन ऑफ हैव इफ एनीवन ऑफ हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क, इंशाल्लाह आई विल सॉल्व योर क्वेरी। अल्लाह हाफिज़।